जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो पछतावा है कि मैंने ये क्या कर दिया, और इसी पछतावे में, इसी गुस्से में मैंने अपना खुद ही का ही पूरा राज खोल दिया कि मैं क्यों इससे नफरत कर रही हूँ, कि मुझे शंभू से ही प्यार है। सो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के बोलने के बाद मैंने खुद ही का ही भांडा फोड़ दिया, एंड अब अम्मा जी गुस्सा हो चुकी है मुझसे। सो अब उनको बस चाहिए कि अब जो वो गोली अपना बंदूक लेती हैं, वो मेरे पे फाइनली तान रही हैं। ठीक है, तो आपका और महुआ का इक्वेशन है, उसके बताइए कि उसका कितना ज़्यादा नज़रिया बदला है आपके प्रति। आई थिंक फिलहाल उसका कश्मकश में नज़रिया है। सो बेसिकली बीच में वी वर गुड, बट देन बाद में क्योंकि पता चल जाता है महुआ को कि ये सारे नाटक मैं फिर से कर रही हूँ, सो अभी उसको ये है कि क्यों कर रही है जीजी ऐसा, अभी तक पुरानी चीज़ों को लेकर क्यों बैठी है। सो कहीं ना कहीं उसके दिल में भी प्यार है, बट वो दिखा नहीं पा रही है फैमिली के चक्कर में। आप एक्टिंग करने में ऐसा कभी हुआ है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको मेमोरेबल भी रहा है, या मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ है जो रियल करने के चक्कर में कुछ और हो गया, मेमोरीज तो खैर बहुत है, बट उनमें से अभी निकालना इट्स लाइक इम्पॉसिबल, बट बहुत सारी मेमोरीज है। लकीली कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे मैं बोलूँ ओ शिट कि ये क्या हो गया। सो या लास्टली इंडियन ड्रामा का बूंदी का अभी आगे का क्या रवैया रहने वाला है, मतलब उसका जो उसने किया है आगे उसका बदलाव आने वाला है कि नहीं, व्यवहार में, उसके सोच में, या उसका जो इरादा है आगे, तो देखते हैं क्या बदलाव आएगा स्टोरी के साथ साथ, बूंदी में कितने चेंजेस आते हैं, क्या होता है। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि अम्मा जी जैसे बूंदी को घर से बाहर निकालना चाहती, तो इस बार उसकी टारगेट शायद महुआ ना हो, इस बार उसका सिर्फ टारगेट हो घर के अंदर रहना। सब देखते हैं कि वो घर पर रह पाती है या नहीं। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।